डॉक्टर राम मीणा ने उसके गुंडों द्वारा हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अटैक करवाया। चन्ना राम उस चमन दाना पिछले 10 महीने से मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाता जा रहा है। ये बाहर से व्यक्ति यहाँ आकर के हमारे लोगों को जो मरवाने का काम करा, ये इस पे कठोर कानूनी कार्रवाई करो। इस तरह की झूठी सहानुभूति से आपको लगता है कि आप नेता बन जाएंगे तो ये संभव नहीं है। कुंभलगढ़ में आदिवासी नेता हुए आमने सामने युवक से मारपीट को लेकर हुई तकरार। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में एक आदिवासी युवा के साथ कथित तौर पर मारपीट को लेकर आदिवासी समाज के 2 नेता आमने सामने हो गए हैं। बीएपी विधायक प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा पर एक युवक से मारपीट के आरोप लगाते हुए आदिवासी समाज के युवा व बीटीपी के नेता चमना राम ने कई सवाल उठाए। हालांकि राम मीणा ने भी वीडियो जारी करते हुए इन आरोपों को झूठा बताया है। देखिए चमना राम व राम मीणा ने कैसे एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को आरोप मुक्त बताया है। साथियों को जोहार। आज हमारे आदिवासी देव समाज के कार्यकर्ता पर बीएपी के प्रत्याशी रहे डॉक्टर राम मीणा ने उसके गुंडों द्वारा हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अटैक करवाया, जिससे इस भाई की हालत कंडीशन देखो, इसकी हालत बहुत खराब है। एक व्यक्ति इनमें से गायब है, उसके साथ में अगर कोई भी अनहोनी घटना हुई तो कल डॉक्टर राम मीणा तो जिम्मेदार होकर मैं खुला चैलेंज देता हूँ मीणा तुझे, तू तेरे दोसा में चला जा। कुंभलगढ़ में आके कुंभलगढ़ के आदिवासी भील समाज के बेटों को मरवाने का काम मत कर। तू खुद कहता है कि मैं समाज सेवी, कौन सा समाज सेवी है? 6-7 महीने से मैं साइलेंट इसलिए था कि हमारी समाज की एकता नहीं टूटे, बल्कि तूने पूरी सारी हदें पार कर दी। अब मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ आने वाले समय में। तो तुझे इस बार तो 8,000 वोट दिए थे, लेकिन इस कुंभलगढ़ के से जिन लोगों ने तुझे वोट दिया था उसी समाज के बेटों पे तूने जो अत्याचार किया है, इन लोगों की कंडीशन देख। नालायक तू और बोलता है कि मैं जयेश के गुंडों ने अटैक कर दिया। गुंडा तो तू खुद है जो हमारे यहाँ आकर के हमारी एकता को तोड़ी और हमारे ही लोगों को आपस में लड़वा के मरवाने का काम कर रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ तुझे, हमारे किसी भी कार्यकर्ता, जो भी 2-3 कार्यकर्ता जो लापता है उनके साथ में अगर कोई अनहोनी घटना हो गई तो कल हम तुझे नंगा करके इस कुंभलगढ़ में दौड़ाएंगे। और साथ ही मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कुंभलगढ़ के शासन प्रशासन से इस डॉक्टर राम मीणा जो एक नालायक है, जो यहाँ राजनीति के स्वार्थ के चक्कर में आया और हमारे लोगों को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को मरवाने का काम कर रहा है, इनकी कंडीशन देख लो, ये क्या गुंडा लग रहे हैं। इनके साथ में मारपीट की जैसे हमारे को सूचना मिली, बल्कि ये कार्यकर्ता मेरी ही गाड़ी लेके कैलवाड़ा गए थे और मेरी गाड़ी को उन लोगों ने तोड़ के वो उठा के लेके गए चोरी करके। तो मैं चोरी का इंतजाम भी डॉक्टर राम मीणा पे ही लगाता हूँ, उसने ही हमारी गाड़ियां चोरी करवाता है और हमारे लोगों को मरवाने का काम करता है। मैं होता तो मेरा भी यही स्थिति होती। शासन प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि इसके खिलाफ अगर आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो कल 1-2 दिन के अंदर हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे जिसका समस्त जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। इन्हें जिन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो अनहोनी घटना की है, हो सकता है हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुसार ही चलेंगे। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सभी शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पे एक्टिव रहें। ये बाहर से व्यक्ति यहाँ आकर के हमारे लोगों को जो मरवाने का काम करा, ये इस पे कठोर कानूनी कार्रवाई करो, आप करो, नहीं तो फिर हमें खुद करनी पड़ेगी। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय गणपतेश। एक व्यक्ति हमारा गायब है, वो नहीं मिल रहा है, और अगर उसके साथ में कोई घटना हुई तो इस राम मीणा को कुंभलगढ़ में आना भी भारी पड़ेगा। ये मेरा खुला चैलेंज है, कान खोल के सुन ले। तू शासन प्रशासन को बोलता था कान खोल के सुनो, लेकिन नालायक मैं तुझे बोल रहा हूँ, इस अरावली पर्वत माला की मूल उपज इस मिट्टी का। जय भीम, जय जवाहर। कल एक वीडियो में चमन दाना उर्फ चमना राम ने
मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मेरे गुंडों द्वारा उसके ऊपर हमला करवाया गया। तो मैंने फेसबुक लाइव पर भी आज इसके बारे में पूरा स्पष्टीकरण रखा है और मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से भी सभी को अवगत करवा दूं कि चमनाराम उस चमनदाना पिछले 10 महीने से मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाता जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमने उसकी बचकानी हरकत मानकर, बच्चों वाली हरकत मानकर इसको नज़रअंदाज किया तो उसको लगा कि शायद हम डर गए हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि यार समाज का बच्चा है और इसकी बातों पर क्या ध्यान दिया जाए, लेकिन अब अति हो गई है और ये जो आरोप हैं पूरी तरह बेबुनियाद हैं। और मैं चमनदाना को भी कहना चाहता हूँ कि अगर 1% भी लगता है ना कि डॉक्टर राम मीणा ने इस तरह की घटिया हरकत की है तो डॉक्टर राम मीणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाइए ताकि डॉक्टर राम मीणा को पुलिस गिरफ्तार कर सके और इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। लेकिन ये जो झूठे आरोप लगाकर वीडियो बना बनाकर लोगों की सहानुभूति लेना, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। आप खुद अपने गुंडों के साथ कल रात को गवार के जो हमारे आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं के साथ आपने मारपीट की, फिर कहीं गिर पड़ गए और आप झूठे वीडियो बनाकर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने आपके ऊपर हमला करवाया है। तो भाई क्यों नहीं आप अभी तक थाने जाकर मेरे खिलाफ आपने FIR दी? इस तरह के झूठे आरोप लगाना बंद कीजिए और तुरंत प्रभाव से आप लिखित में और वीडियो बनाकर माफी मांगे चमनदाना कि आपने झूठे आरोप लगाए हैं, अन्यथा समाज के वरिष्ठ जनों से विचार विमर्श के बाद मुझे आपके खिलाफ मानहानी और कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के झूठे आरोप लगाकर आपने बहुत गुमराह कर लिया समाज के लोगों को और इस तरह की झूठी सहानुभूति से आपको लगता है कि आप नेता बन जाएंगे तो ये संभव नहीं है। इसलिए आपको मैं अंतिम रूप से चेतावनी देता हूं कि जो आरोप लगाए हैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से माफी मांगे, अन्यथा समाज के वरिष्ठ जो भी मार्गदर्शन देंगे उसके अनुसार मैं विधिक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ूंगा।